हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन फॉर फ्रैक्चर्स, यस, गिवन बाय द एलिस एंड डीवे इन 1960। ओके, हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फ्रैक्चर के केस हमारे दिन आए दिन हमारे क्लिनिक्स में आते हैं। यस, डैट्स वाई मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। यस, सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम, लेट्स स्टार्ट। यस, दिस इज द क्राउन माय डियर फ्रेंड, दिस इज इनेमल आउटर मोस्ट लेयर, डेंटी बोथ इन क्राउन एंड रूट, एंड दिस इज पल्प। ओके, क्राउन रूट टूथ। ओके माय डियर फ्रेंड, व्हाट हैपेंस इन एलिस क्लास वन फ्रैक्चर। ओके, सो क्लास वन फ्रैक्चर, दैट इज फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनेमल, मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से दैट फ्रैक्चर इन इनेमल, लेयर ऑफ इनेमल। ओके, क्लास वन फ्रैक्चर। क्लास टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग बोथ इनेमल एंड डेंटी। ओके, इनेमल प्लस डेंटी, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल एंड डेंटी नोन एज टाइप टू, क्लास टू एलिस क्लास टू फ्रैक्चर। टाइप थ्री, फ्रैक्चर इन इनेमल प्लस डेंटीन प्लस एक्सपोजर ऑफ पल्प, मीन्स फ्रैक्चर अब कहां तक जाएगा, ये था वन, ये था टू, ये था थ्री, मीन्स फ्रैक्चर इन इनेमल डेंटीन एंड पल्प एक्सपोजर नोन एज एलिस क्लास थ्री फ्रैक्चर। नाउ अब इनेमल, अब क्राउन, क्राउन का क्या हो चुका है, इनेमल भी ब्रेक हो चुका है, डेंटिन भी ब्रेक हो चुका है, पल्प भी। अब अपन क्या करेंगे, पूरा टूथ को डैमेज कर देंगे, डेड कर देंगे, मीन्स नॉन वाइटल टूथ, नॉन वाइटल टूथ विथ और विदाउट, विथ और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। मतलब कई बार हमारे क्लिनिक पे ऐसा पेशेंट आता है, टूथ डेड हो चुका है बट इनेमल भी नहीं टूटा है, ब्रेक भी नहीं टूटा है, देर इज नो ब्रेकेज एट ऑल, नो फ्रैक्चर एट ऑल, सो यू कैन प्लेस इन एलिस क्लास फोर फ्रैक्चर। यस, सबसे पहले हमने किसको ब्रेक करा, इनेमल, देन डेंटिन, देन पल्प, देन पूरा टूथ नॉन वाइटल हो गया। यस, अब क्या करना है, अब पूरा टूथ लॉस कर दो, मतलब एवल्जन, क्या कर दो, एवल्जन। यस, एक सीक्वेंस है दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले किसको पॉइंट आउट किया, क्राउन को, इनेमल डेंटी पल्प, फिर पूरा टूथ नॉन वाइटल, फिर पूरा टूथ गायब, मतलब एवल्जन। यस, अब टाइप सिक्स, क्लास सिक्स, इसमें हम रूट कंसिडर करेंगे। यस, तो यहां पे होगा रूट फ्रैक्चर, रूट फ्रैक्चर विथ और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। मतलब यदि आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसका रूट फ्रैक्चर है, फिर इनेमल हो, डेंटिन हो, नहीं भी हो, यस, आप उसको डायरेक्ट क्लास सिक्स में रखेंगे। ओके, नाउ क्लास सेवन, क्राउन भी फ्रैक्चर हो चुका है, कवर कर चुका अपन ने, रूट भी फ्रैक्चर हो चुका है, अब क्या करेंगे, इसको मिड लाइन शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, मीन्स टूथ डिस्प्लेसमेंट, टूथ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, जो इसकी ओरिजिनल पोजिशन रहेगा, यस, ये वहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यस, एट, एट में क्या होगा, फ्रैक्चर इन क्राउन इन मास, मीन्स पूरा का पूरा क्राउन फ्रैक्चर हो चुका है ये,
यस मींस पेशेंट आपके पास आया, इनेमल डेंटिन पल सब चला गया, सिर्फ सर्वाइकल पोर्शन से रूट दिख रही है। यस क्राउन इन मास, क्राउन एंड मास। यस एंड द लास्ट दैट इज द टाइप 9 क्लास 9 फ्रैक्चर इन प्राइमरी दैट इज डेसिडुअल डेंटिशन। फ्रैक्चर इन डेसिडुअल डेंटिशन। यस इसमें एक सीक्वेंस है, पहले हमने क्राउन को इंटरटेन किया, क्राउन कैरी फॉरवर्ड किया, देन रूट किया, डिस्प्लेस किया, पूरा क्राउन एनमास कर दिया, और लास्ट में जो टाइप 9 है, यदि बच्चे कोई प्राइमरी टीथ लेकर आ रहा है फ्रैक्चर है क्लास 9। ओके सो माय डियर फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो लगा होगा अच्छा, यस ठीक है, इसमें कोई भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी पूछना चाहेंगे तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके और आप जो भी नेक्स्ट टॉपिक में जो भी वीडियो चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।